वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई चैनल नेम इज़ द गर्ल फ्रॉम हिमाचल। ये ब्लॉग वो है जहाँ जब हम सवारी गए थे डिस्ट्रिक्ट पाली में शादी के लिए, तो यहाँ हम बहुत कन्फ्यूज हो चुके थे कि जब हिमाचली लोग किसी शादी में जाते हैं तो फिर वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किस तरह की शादी थी। तो फर्स्ट फंक्शन मेहंदी स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं, और इसके बाद जो हमारी पूजा होती है नॉर्मल सब पूजा लग सकते नहीं होती है शादी से पहले, जो यहाँ फूल देवी देवता हम बनाते हैं तो उस टाइप की पूजा यहाँ भी हुई थी। तो यहाँ पे दूल्हा गया था, दुल्हन गई थी और घर के कुछ मेम्बर्स गए थे, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फिर ये मैं मंदिर जाने के लिए रेडी थी, तो ये कुछ वहाँ की लेडीज़ हैं और मेरी मासी हैं। तो ये है हमारी ब्राइड शिवानी और ये मेरी मासी हैं। उसके बाद हमने फैमिली पिक ली थी जिसमें सभी ही हैं ऑलमोस्ट, उसमें दो तीन लोग मिसिंग हैं, बाकी सब हैं। तो उसके बाद हुआ था मामा का वेलकम। हमारे यहाँ जब मामा का वेलकम होता है तो मामा सीधे घर आते हैं, मतलब घर पे जो गेट जैसे लगा होता है जो हमने बनाया होता है वहाँ पे वेलकम होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे ऐसा होता कि एक जगह फिक्स होती है रास्ते में कहीं, तो वहाँ मामा जी रुक जाते हैं, तो घर के लोग वहाँ उस रास्ते पर जाते हैं मामा जी को रिसीव करने के लिए, मीन उनका वेलकम करने के लिए। तो बाकी वहाँ का सेम प्रोसीजर होता है जैसे कि हम लोग अपनी मामा कुछ लाता है अपनी बहन के लिए, अपनी भांजी के लिए, तो सब सेम होता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल अलग सेलिब्रेशन होता है डांस का, कि वहाँ पे कुछ लोग डांस करते हैं जैसे सिंगल सिंगल, वहाँ का जो ट्रेडिशनल जो भी उनका बैंड बाजा होता है उसके साथ साथ वो डांस करते हैं। तो उसके बाद ये डांस हो रहा था वहाँ पे अलग, मतलब अलग सभी मैक्सिमम लोग वहाँ डांस कर रहे थे। तो आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह का डांस होता है, और मैक्सिमम जो लेडीज़ थी वहाँ पे वो घूंघट के साथ ही थी, मतलब घाघरा चोली पहन के और घूंघट पहन के, मतलब पूरी तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था देखने के लिए कौन हाँ किस तरह से है, आप भी देखते हैं किस तरह से डांस हो रहा है। उसके बाद मैंने भी कुछ डांस करा था, देखना वगैरह डांस आते आप ये डांस ट्राई करो। तो फिर ये मैं रेडी हो चुकी थी, उनका वहाँ पे एक फंक्शन होता है बंदोली करके जो रात में होता है, तो उन्होंने कहा कि घाघरा चोली पहनो आप अच्छे लगोगे, तो मैंने भी ट्राई करा, चलो देखते हैं कि कैसी लगती हूँ मैं इसमें, तो आप बताना कि मैं कैसी लग रही थी। ये कुछ पिक्स हैं जहाँ जब मैं रेडी हो चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग, ये फंक्शन तकरीबन 11 बजे स्टार्ट हुआ था और सुबह के 4 बजे तक मतलब ये फंक्शन चालू था, मैं चालू क्या मतलब 4 बजे तक हम लोग डांस करते रहे उस फंक्शन में। उसके बाद मैंने, मेरी मासी ने भी घाघरा चोली ट्राई करा था, तो ये देख सकते हैं मेरी मासी और मुझे ना कुछ अलग सा ही, ये मेरी मम्मी है, मुझे मेरी मासी को ना कुछ अलग सा ही ट्राई करने का शौक होता है कि नहीं जहाँ का कुछ ट्रेडिशनल है तो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो। तो मतलब मेरी मासी और मैं बहुत इन चीज़ों में ज़्यादा वो रखते हैं कि नहीं कुछ ट्रेडिशनल होना चाहिए, कुछ अच्छा पहनना चाहिए, तो हम वहाँ के लगेंगे, हम हिमाचल में नहीं पहन सकते क्योंकि हम सबसे अलग दिखेंगे, तो यहाँ पे कोई पहनता भी नहीं है। तो फिर हमने वहाँ पे ट्राई करा, फिर वहाँ पे ना रात को जैसे जो फंक्शन होते हैं तो दुल्हन जो पूरा तैयार होती है तो घोड़ी पे बैठती है, तो घोड़ी पीछे पीछे चलती है, बीच में लोग डांस करते हैं और आगे जो है वो डीजे वाले जो चलते हैं, मतलब टेम्पो में डीजे चलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शिवानी है जो हमारी दुल्हन है तो वो बैठ चुकी है घोड़ी पे, तो बैठ रही है, तो आई थिंक
उसका घर का थोड़ा हैवी था तो उसको मुश्किल हो रही थी बैठने में, बट वो लोगों ने उसको थोड़ा हेल्प करके बिठा दिया था। और यहाँ पे उसका आई थिंक वो कलीरा जैसा फंस गया था, पता नहीं किस चीज़ मतलब लहंगे के साथ ही फंस गया था। फिर डीजे सेशन चला था कि वहाँ पे आज ज़्यादातर राजस्थानी सॉन्ग चल रहे जिन पर हमें डांस करना बिल्कुल नहीं आ रहा था। आनी थी बारात तो ये देखो मेरी मम्मी और मेरी मासी ने पहली बार साड़ी पहनी थी ज़िंदगी में। मम्मी ने तो पहली बार पहनी थी, मासी ने मेरी शादी पे पहनी थी। तो शादी को लगभग 15-16 साल हो गए, उसके बाद मासी ने पहली बार शादी पे मतलब पहनी थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छे लगे थे दोनों। और मैंने भी अपनी ब्लैक कलर की साड़ी पहन ली थी, मैं लाई थी और वो कह रहे थे घाघरा पहनो, नहीं मैं कह रहा मैं अपने कपड़े लेके आई थी मैं वही पहनूंगी। तो ये हम तीनों देखो साड़ी में कैसी लग रही हैं। उसके बाद वहाँ पे आती है बारात और होती है जयमाला। जयमाला होती है तो वो मतलब ऐसी होती है कि जैसे ही दूल्हा आता है तो दरवाजे पे ही जयमाला हो जाती है। यहाँ पे लेडीज काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तो फिर बस वहाँ पे सब लोग जा रहे थे बोट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज मतलब किस तरह से कपड़े या ड्रेस सब पहन के हैं। ये हमारे अब आएंगे दूल्हे राजा जी जो शिवानी के हस्बैंड है, ये बैठ ये हैं हम यहाँ पे बोट। आप देख सकते हैं वहाँ पे जिस तरह घेर होती है हमारे वहाँ पे अलग तरह की होती है जो मामा जी लेके आते हैं जो इससे बनती है वो बोट। तो ये देखिए बोट मतलब कैसी है, अच्छी सजाई हुई है, अच्छी है सुंदर है, बट थोड़ी अलग है हमारे वहाँ कुछ अलग होती है। ये वहाँ की लेडीज थी जिनकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं। तो ये दूल्हा बैठ चुका है, अब दुल्हन का वेट किया जा रहा है कि दुल्हन कब आएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे चला हुआ था लग जो भी उनका होता है पंडित वगैरह का, पता नहीं कुछ ले रहे थे मतलब कुछ ले रहे थे ला रहे थे पता नहीं क्या ला रहे थे। बट ये आप देखो मेरी मासी पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई हुई है, मम्मी ये देख रही है कि क्या हो रहा है आपसे सब कैस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मासी तो पता नहीं क्या ही सोच रही थी उस टाइम की, मैं पता नहीं क्या कौन से विचार मासी के मन में चल रहे थे। अब पता मुझे मासी बोलेगी तूने मेरा ये वीडियो क्लिप क्यों डाला, कहेगी कि मैं बहुत मोटी आ रही हूँ करके, बट मैंने डाल दिया मुझे डांट खानी पड़ेगी अपनी मासी से। और मैं बीच के कुछ क्लिप्स लेना भूल गई थी, तो मतलब भूल क्या गई थी, मैं बहुत थक गई थी मुझे गर्मी लग रही थी वहाँ पे तो मैं सो गई थी। तो ये वहाँ पे फेरे हो रहे थे, फेरे ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही होते हैं जैसे हो रहे थे, बट वहाँ पे जो दुल्हन का चेहरा था वो बहुत बिल्कुल ही ढका हुआ था तो बिल्कुल भी खोला नहीं था। फेरे हो रहे ये मैं ऊपर से शूट कर रही थी मतलब जब मैं सो के उठी थी कि हाँ क्या हो रहा है देख रही थी।
देखो यहाँ पे एक उनकी कन्यादान हो रहा है। यहाँ पे ना कन्यादान सब करते हैं, क्योंकि हमारे पास माँ बाप कहते हैं, यहाँ पे भाई जीजा सब मतलब आते हैं, और साथ में कुछ उनका अपना रस्म होता है कन्यादान करने की, वो कर रहे थे। ये पता नहीं कुछ पहना रहे थे उसे उस टाइम, इसकी बड़ी भाभी जी कुछ हाँ वो पैरों में पहनाते हैं, ये पहना रहे थे उस टाइम। ये तो लास्ट में फिर ये जो हमारे वहाँ भी जब वो हवन होता है उसमें वो फेंकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो लास्ट में जो फेंकी जाती है हवन में, तो हवन पूरा हो जाता है, जो कुंड होता है वहाँ पे हवन कुंड उसमें फेंकी जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ अलग ही तरह का हो रहा था, ये पता नहीं कौन भाई दे रहा था कौन दे रहा था, पर यहाँ पे कुछ अलग सा ही हो रहा था। बट वो कार्टिंग का क्लिप लेना मैं भूल गई थी। उसके बाद सब हुआ तो हमने एक फैमिली पिक्चर क्या, ये जो बड़े अंकल आंटी थे उनके साथ हमने फ़ोटो ली थी, मम्मी और उनको वो बहुत पसंद थे, तो काफ़ी अच्छा नेचर था उनका, तो बोलते नहीं नहीं आओ आओ और वेद में एक फ़ोटो ले लो। तो फिर मैंने चलो फ़ोटो ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम विदाई का वेट कर रहे थे कि विदाई होने वाली थी वहाँ पे, तो बस ये विदाई हो रही है वहाँ पे, आप देख सकते हो किस तरह की विदाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।